गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था तुम्हें करने के लिए। आई होप हो गया होगा। कोई डाउट हो तो ग्रुप में पूछ लेना। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। रैंडम वेरिएबल एक्स हैज प्रोबेबिलिटी लॉ, लॉ का मतलब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ही बोल रहा है, और कैपिटल डी एफ एक्स बोल दिया इज इक्वल टू दिस। इस डी एक्स को नीचे ले जाएंगे तो तुम एक चीज ध्यान रखोगे कि डी ऑफ कैपिटल डी एफ बाय डी एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स। ये हमारा पीडीएफ है यहाँ पे और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। नेक्स्ट टॉपिक यही है तो मैं उसमें बता दूंगी। स्मॉल एफ एक्स मैंने पीडीएफ क्यों बोला है, क्योंकि इंटरवल बोला है जीरो से इन्फिनिटी। इंटीजर्स होते तो मैं 0,1,2 बोलती तो डिस्क्रीट होता वो, तो बन जाता हमारा पीएमएफ। अभी क्या है, ये पीडीएफ है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन क्वार्टर्स, क्वार्टर्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो इसका मतलब पहले तुम्हें क्यू वन निकालना पड़ेगा, फिर क्यू थ्री, फिर उन दोनों का डिस्टेंस मतलब क्यू थ्री बाय क्यू वन। एंड शो दैट द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस आएगा मतलब ये, इसका रेशियो विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर बी। जो इन दोनों का रेशियो आएगा उधर बी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए एक तरह से। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ये सिग्मा स्क्वायर क्या होता है हमारा वेरियंस, तो वेरियंस का जब तुम अंडर रूट कर दोगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। और वेरियंस क्या बताया था, म्यू टू इज इक्वल टू म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर। तो तुम्हें ये सब निकालना है। पहले हम निकालते हैं क्यू वन, क्यू वन निकाल के दिखा रही हूँ। क्यू थ्री का सिमिलरली तुम करके निकालोगे। क्यू वन का फॉर्मूला बताया था एफ एक्स डी एक्स ऊपर क्यू वन, और लोअर लिमिट क्वेश्चन से देखने जीरो है, जीरो टू क्यू वन, वो किसके इक्वल होता है वन फोर्थ के। जीरो से क्यू वन फॉर्मूला क्या दे रखा है, एक्स बाय एफ एक्स दे रखा है ये, ई माइनस एक्स स्क्वेयर बाय टू बी स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू वन बाय फोर। हम इसको क्या मान लेते हैं, टी, बी स्क्वेयर कॉमन ले लेता है, जीरो से क्यू वन मैं क्या कर रही हूँ, माइनस एक्स स्क्वेयर टू बी स्क्वेयर को टी मान रहा है, फिर डीएक्स ऐसे निकालते हैं माइनस टू एक्स डी एक्स बाय में कॉन्स्टेंट टू बी स्क्वेयर डी टी। ये इंटीग्रेशन तुम पहले कर ही चुके हो, इसकी इंटीग्रेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी इसलिए क्वेश्चन करा रही हूँ। टू से टू कैंसिल, एक्स डीएक्स को यही छोड़ देते क्योंकि क्वेश्चन में दिख रहा है एक्स डीएक्स माइनस डी टी बन जाएगा बस इंटू में बी स्क्वेयर, ये बन गया। तो एक्स डीएक्स की जगह क्या लिखना है, ये इसको तो टी पुट कर दिया, e की पावर माइनस टी, और x dx की वैल्यू बन गई माइनस डी टी और साथ में बी स्क्वेयर चल रहा है, और बाकी क्या था इज इक्वल टू वन बाय फोर और बाहर चल रहा था बी स्क्वेयर। फिर लिमिट देखो, जब x को जीरो पुट करेंगे तो t की लिमिट भी जीरो, और जब x को q1 पुट करेंगे तो t की लिमिट बन जाएगी माइनस क्यू वन स्क्वेयर बाय में टू बी स्क्वेयर। फिर बी स्क्वेयर से बी स्क्वेयर कैंसिल, लिमिट जीरो क्यू वन स्क्वेयर माइनस सीधा टू बी स्क्वेयर माइनस बाहर चल रहा है ई माइनस डी टी टी इज इक्वल टू वन बाय फोर। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर माइनस टी और नीचे माइनस वन आएगा और बाहर माइनस चल रहा तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, खाली क्या बचा जीरो से क्यू वन स्क्वेयर बाय टू बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन बाय फोर। लिमिट पुट करनी है डायरेक्ट, ई माइनस क्यू वन स्क्वेयर बाय टू बी स्क्वेयर, जीरो पुट करोगे तो माइनस वन क्योंकि ई की पावर जीरो वन होता है। कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में e की पावर जीरो को जीरो मान लेते हैं और पुट्टी नहीं करते हैं। ठीक है, एक चीज देखो यहाँ पे प्लस आएगा, मैंने इस पूरे को ही t माना है तो e की पावर इस पूरे को t बना है, इसको मैंने पूरे को t माना है ना, तो t बन गया ये, तो प्लस आएगा यहाँ पे, यहाँ पे भी प्लस आएगा तो माइनस बचेगा बाहर, हो गया। अब माइनस अंदर ले लेते हैं, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, फिर क्या होगा, वन को मैं उधर लेके जा रही हूँ, सॉरी वन वन बाय फोर को इधर ले आए और इसको उधर ले गए, ई की पावर प्लस में आए माइनस क्यू वन स्क्वेयर बाय टू बी स्क्वेयर, ये प्लस था यहाँ पे, मैंने ऊपर चेंज कर दिया, प्लस कर दिया तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, तो ये कितना बन गया थ्री बाय फोर ई की पावर क्यू वन स्क्वेयर बाय में टू बी स्क्वेयर। अब मैंने तुम्हें बताया था हमें क्यू वन की वैल्यू निकालना था, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं क्योंकि लॉग ही क्या होता है वन हो जाता है, तो मैंने इधर दोनों तरफ लॉग अप्लाई किया तो ये बन जाएगा लॉग थ्री बाय फोर इज इक्वल टू लॉग ई क्यू वन स्क्वेयर बाय में टू बी स्क्वेयर। लॉग ई क्या होता है वन, तो खाली बचा क्यू वन स्क्वेयर बाय टू बी स्क्वेयर, इसको क्या इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है ए बाय बी की, लॉग थ्री माइनस लॉग फोर। कर सकते हैं हम ये, देखो यहां तक आ गए हम, ये टर्म आ गई थी, उसके बाद इसने यहां पे लॉग थ्री बाय फोर लिखा। एक चीज और नोटिस करना,
लिमिट, क्योंकि मैंने इसको पूरे को माइनस माना था तो लिमिट में माइनस आ गया था, लिमिट में यहां माइनस आ गया था, क्योंकि जब x को 0 पुट करेंगे तो t की लिमिट भी 0, और जब x को q1 पुट करेंगे तो लिमिट में माइनस q1 स्क्वायर 2 बाय v, तो यहाँ पे माइनस आ गया था। ठीक है, तो ये माइनस और ये भी, ये माइनस हो जाएगा अब, ये अभी माइनस आ गया। फिर इस माइनस को मैं उधर ले जाती हूँ, तो log 4 माइनस log 3 इज इक्वल्स टू q1 स्क्वायर बाय में 2b स्क्वायर आ गया। log 4 और log 3 की वैल्यू तुम निकाल सकते हो, या एज इट इज छोड़ना तो एज इट इज छोड़ देना, अगर नहीं पता, नहीं तो क्वेश्चन पेपर में तुम्हें लॉग टेबल गिवन होगी। 2b स्क्वायर उधर ले गई, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग 4 बाय 3 इज इक्वल टू q1 स्क्वायर, q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ दिस, तो अंडर रूट 2b, तो ऐसा करो पूरे के अंदर अंडर रूट लगा दो, लॉग 4 बाय 3 इज इक्वल टू q1, ऐसे आ गया तुम्हारा q1। ये देखो q1 का आंसर यही आ गया। ऐसे सिमिलरली लॉग 3 तुम खुद निकालोगे, ठीक है, Q3 तुम खुद निकालोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें प्रोसीजर बता दिया, बस सब जगह Q3 चलेगा क्वेश्चन में, और इधर क्वेश्चन के अंदर 1/4 की जगह यहाँ पे 3/4 आएगा, तो कैलकुलेशन वर्क तुम खुद करोगे। Q3 तुम्हारा ये आ गया। फिर दोनों का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, Q3 माइनस Q1 इन दोनों का डिफरेंस कर दोगे, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर हमें क्या निकालना था, इन दोनों का रेशियो, उसके लिए हमें वेरियंस चाहिए। वेरियंस का फॉर्मूला μ2 माइनस μ1 का स्क्वायर है, तो μ2 निकालना है, तो μ2 माइनस μ1 का स्क्वायर, तो तुम्हें दोनों की वैल्यू निकालनी है। अब देखो पहले मैं μ1 निकाल रही हूँ। μ1 का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन xfx dx, 0 to, क्वेश्चन के अंदर जो लिमिट दे रखी होगी 0 to, क्या दे रखी है, इन्फिनिटी, fx क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x b² e की पावर -x² / 2b² dx, तो x स्क्वायर हो जाएगा बाय में बी स्क्वायर, ई की पावर में x² / b² और साथ में 2 है dt, 0 to infinity, तो बेटर है मैं क्या करती हूँ, x² / b² को ही t मान लेती हूँ, t मान लेते हैं, क्या बन जाएगा x² / 2b² पूरे को मैं क्या मान लेती हूँ, t मान लेती हूँ, 2 की कमी मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, ताकि ये पूरा का पूरा वेरिएबल ही बन जाए पूरी पावर में, तो ये क्या बन जाएगा, 2x 2b² dx = dt, 2 से 2 कैंसिल हो गया, dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt बाय में ऊपर b स्क्वायर नीचे x आएगा, x की वैल्यू यहां से निकालेंगे 2b² अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर ले जाओगे फिर अंडर रूट ले लोगे, इधर ये हमारे dx की वैल्यू चेंज हो गई, तो ये क्या बन जाएगा, e - t dt बाय में 2b² t, और इसको मैंने क्या माना है, t। अब लिमिट देखो, जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू भी क्या है हमारी, 0, जब x की वैल्यू इन्फिनिटी है तो t की वैल्यू भी क्या होगी, इन्फिनिटी, ये कॉन्स्टेंट है क्वांटिटी, ये बाहर आएगा √t और b बाहर आ जाएगा, √t को मैंने नीचे छोड़ दिया ऐसे, 2b² को बाहर ले लिया ऐसे, ऊपर बच जाएगा √2 और नीचे बच जाएगा b, कैंसिल आउट करेंगे तो 0 to infinity t की पावर, अब √t बच जाएगा खाली, e की पावर -t dt। अब तुम्हें एक फॉर्मूला मैं बता रही हूँ याद करने के लिए, ये तुम्हें आगे बहुत काम आएगा फॉर्मूला, ये याद रख लेना, कि अगर कोई भी वेरिएबल है t^(n-1) e^(-t) dt 0 to infinity इज ऑलवेज इक्वल्स टू गामा ऑफ जितनी भी पावर है, गामा एन जो भी पावर है, जैसे ये वो वेरिएबल होना चाहिए जो t^(n-1) में है, e^(-t) और यहाँ पे माइनस ही होगा dt, वही है dt n-1। अब मैं इसको चेंज कर लेती हूँ, मैं इसको ऐसे लिख दू 1/2 1 - 1/2, इसको मैं ऐसे 3/2 - 1 लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी फॉर्म लानी है n-1 का मतलब कि -1 पीछे होना चाहिए, ठीक है, तो मैं 3/2 - 1 करूंगी तो t^(1/2) आएगी e - t dt आ गया,
जीरो टू इन्फिनिटी रूट टू बी। और एक चीज और देखना, मैंने ये बी स्क्वेयर छोड़ दिया, इधर बी स्क्वेयर और चल रहा था तो इधर बी स्क्वेयर आ जाएगा साथ में, ये बी स्क्वेयर बाहर आ जाएगा। ठीक है, बी स्क्वेयर बाहर आ गया तो एक बी कैंसिल हो जाएगा, तो रूट टू बी ये कितना हो जाएगा, अभी बताया मैंने एन माइनस वन हो गया, एन माइनस वन ई माइनस टी डी टी, तो एन गामा ऑफ एन मतलब गामा ऑफ रूट थ्री बाय टू। अब गामा देखो कैसे खुलता है, रूट थ्री बाय टू है, गामा खोलना है, जैसे पहले मैं गामा ऑफ फोर बता रही हूँ तो क्या होगा, एक माइनस करके उसके पीछे फैक्टोरियल लगा देता है, थ्री फैक्टोरियल बन जाएगा, गामा ऑफ फाइव फोर फैक्टोरियल, लेकिन ये इंटीजर है तब बन गया, ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन से एक माइनस करोगे तो क्या बनेगा वन बाय टू, फिर वन बाय टू को माइनस वन में करोगे तो वो नेगेटिव में चला जाएगा, इसलिए नेगेटिव में नहीं छोड़ना, तो मैंने उसको एज इट इज लिख दिया। तो ये कैसे बन जाएगा, रूट टू बी, इसको एक माइनस करोगे वन बाय टू, फिर वन बाय टू ऑफ गामा, और वन बाय टू गामा किसके इक्वल होता है, इज इक्वल्स टू रूट पाई, ये रूट है और वो गामा है, तो ये क्या आ जाएगा, इसकी जगह मैं लिख दूंगी रूट टू पाई, रूट टू बी बाय में टू और रूट पाई चल रहा है, इसको कैंसिल आउट करोगे तो नीचे रूट बच जाएगा, तो इस एज अ होल हमारा आंसर आ गया रूट में, दोनों ये चीज रूट में आ गई। ठीक है, एक चीज देख लो, ये अगर सेवन बाय टू हो गामा में तो मैं क्या लिखूंगी, एक माइनस करूंगी तो क्या आएगा फाइव बाय टू, फिर फाइव बाय टू में से एक माइनस और करूंगी थ्री बाय टू, थ्री बाय टू में से एक और माइनस करूंगी वन बाय टू, वन बाय टू में से एक और माइनस करूंगी तो वो नेगेटिव में चला जाएगा, इसलिए मैं उसको गामा पे यहीं छोड़ देती हूँ, और इसकी जगह क्या लग दूंगी रूट पाई, फाइव इंटू में थ्री बाय में एट। ठीक है, ये पाई है, क्वेश्चन थोड़ा अलग था, तो अब ये दोनों चीज आ गई, ऐसे म्यू वन डैश आ गया, सिमिलरली करके मैं म्यू टू डैश निकालूंगी, म्यू टू डैश में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू में एफ एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा, सिमिलर फॉर्मूला पुट करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी वाई माइनस ई वाई डी वाई, तो अब पावर कितनी बन गई, यहाँ पे वन बनी हुई है तो मैं इसको पावर में टू माइनस वन लिख दू, पुट करने के बाद तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा टू बी स्क्वायर जीरो टू इन्फिनिटी y की पावर वन e माइनस वाई डी वाई। अब सेम फॉर्म बनाने के लिए मैं इसको टू माइनस वन एन माइनस वन ई की पावर माइनस वाई, तो ये क्या बन जाएगा, सेम फॉर्म है तो गामा ऑफ टू, गामा ऑफ टू मतलब एक फैक्टोरियल कम कर देते हैं तो टू बी स्क्वेयर आ गया सीधा। अभी बताया मैंने फाइव गामा क्या लिखेंगे फोर फैक्टोरियल, तो टू गामा क्या लिखेंगे एक कम करके वन फैक्टोरियल, तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका एन माइनस वन फैक्टोरियल, तो टू बी स्क्वायर आ गया। फिर दोनों का रेश, अब तुमने क्या निकालना है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर, म्यू टू डैश हमारा कितना आया टू बी स्क्वायर, म्यू वन डैश कितना आया हमारा बी अंडर रूट पाई बाय टू आया था उसका स्क्वायर करेंगे, इधर बन जाएगा टू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर पाई, दोनों चीज अंडर रूट से बाहर आ जाएंगी, ये आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर। इसको सॉल्व करना चाहो तो एज इट इज लिख लो, सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट में टू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर दोनों के बाहर आएगा बी आ जाएगा टू माइनस पाई बाय टू बन जाएगा, तुम चाहो तो इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हो सिग्मा की वैल्यू। फिर रेशियो बोला था किसका, क्यू थ्री माइनस क्यू वन अपॉन में सिग्मा निकालना था, क्यू थ्री माइनस क्यू वन हमारा आएगा क्वेश्चन के हिसाब से रूट टू बी लॉग फोर अंडर रूट माइनस लॉग फोर बाय थ्री, हमने पहले निकाल लिया था, उनकी डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रही हूँ बाय में बी से बी कैंसिल, यही दिखाना था कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ बी होना चाहिए, तो मैंने वो इंडिपेंडेंट दिखा दिया बी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो ग्रुप पे पूछ लेना, इन अ कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हुज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज फंक्शन, मतलब पीडीएफ ही गिवन है, इंटरवल जीरो से टू गिवन है, ये एफ एक्स गिवन है, फाइंड मीन, मीन मतलब म्यू वन डैश निकालना है, वेरियंस निकालना है, बीटा वन और बीटा टू निकालना है, वेरियंस अभी बताया म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे बीटा वन के लिए हमें म्यू थ्री डैश भी चाहिए, म्यू थ्री चाहिए, म्यू फोर डैश भी चाहिए, तो हम जनरल क्या निकालेंगे म्यू आर डैश निकाल लेते हैं, मतलब एक्स की पावर आर रख के पूरा जनरल फॉर्मूला निकाल लेंगे, जो भी चाहिए बस आर की वैल्यू पुट कर लेंगे उधर। अब इधर अननोन क्या है तुम्हारा वाई नॉट, वाई नॉट की पहले वैल्यू निकालेंगे क्योंकि गिवन है ये पीडीएफ है, तो वाई नॉट पूरा प्रोबेबिलिटी फंक्शन किसके इक्वल होगा वन के, लिमिट क्या है जीरो से टू, जीरो से टू एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वन, एफ एक्स फंक्शन है एक्स टू एक्स माइनस टू माइनस एक्स और वाई नॉट इज इक्वल टू वन, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे वाई नॉट की वैल्यू आगी थ्री बाय फोर। अब हमारा फंक्शन पूरा हो गया, इसमें वाई नॉट अननोन था, पहले उसकी वैल्यू निकालिए कैसे, पूरे पीडीएफ की वैल्यू किसके इक्वल होती है वन के इक्वल, उसको सॉल्व करके।
अब हमें इन सब की वैल्यू निकालने के लिए सारे चाहिए, म्यू वन डैश, म्यू टू डैश, म्यू थ्री डैश, म्यू फोर डैश, तो हम जनरल निकाल लेते हैं म्यू आर डैश। म्यू आर डैश का जनरल फॉर्मूला होगा एक्स की पावर आर एफ एक्स डी एक्स, और जो इंटीग्रेशन में जो लिमिट्स है जीरो टू टू, एक्स आर एज इट इज रहेगा, एफ एक्स की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है वो पुट कर दी, एक्स इंटू में टू माइनस एक्स, टू माइनस एक्स था ही, एक्स और आ गया साथ में, तो एक्स की पावर इंक्रीज हो गई। देखो क्या बनाइए, x इंटू में टू माइनस एक्स, और y नॉट चल रहा था, y नॉट की वैल्यू आ गई थी 3 बाय 4, वो बाहर चला गया, 0 टू 2 म्यू आर डैश डी एक्स। तो अब बेस सेम पावर एड, x की पावर r प्लस 1, 2 माइनस एक्स डी एक्स है, 0 टू 2 3 बाय 4, ये अंदर जाएगा 2, x की पावर r प्लस 1 कर दो, माइनस x की पावर r प्लस 2 हो जाएगी डी एक्स। अब इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बाहर 3 बाय 4 चल ही रहा है, इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर r प्लस 2 बाय r प्लस 2, x की पावर r प्लस 3 बाय r प्लस 3, 3 बाय 4, फिर लिमिट पुट कर देना, हमारा आंसर r में आएगा, ये आ गया। r को 1 पुट करो म्यू 1 डैश आ जाएगा, r को 2 पुट करो म्यू 2 डैश आ जाएगा, r को 3 पुट करो म्यू 3 डैश, सबकी वैल्यू आ गई। पहले वेरियंस कैसे निकलता है, म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश का स्क्वायर आ गया, म्यू 3 म्यू 4 सबके फॉर्मूले की सबकी वैल्यूज पुट कर दो, म्यू 3 की आ जाएगी। बीटा 1 क्या होता है, म्यू 3 डैश का स्क्वायर बाय म्यू 2 डैश, वो जीरो हो गया, निकालोगे तो तब हमारा आंसर ये आएगा। म्यू बीटा 2 क्या होता है, म्यू 4 बाय म्यू 2 डैश का स्क्वायर, वो आ गया। फिर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन, इसी क्वेश्चन में सब कुछ आ गया। मीन डेविएशन अबाउट मीन मतलब एक्स माइनस म्यू मोड में बोला था, x माइनस म्यू एफ एक्स डी एक्स जीरो टू म्यू, क्वेश्चन के हिसाब से देख लो मीन आया 1, तो इधर मैं 1 पुट कर दूंगी, x माइनस 1 एफ एक्स डी एक्स, ये इंटरवल ब्रेक होगा किस पे, 0 टू 1 पे और 1 से 2 पे, क्यों, क्योंकि x अगर 1 से छोटी वैल्यू होगी तो नेगेटिव आएगा, तो मैं ऐसे लिखूंगी x माइनस 1 एफ एक्स डी एक्स। एक चीज ध्यान रखना, जिधर भी जो भी पॉइंट है ना उसी पॉइंट पे ब्रेक होता है, वन पे ब्रेक होगा, वन से कम वैल्यू लोगे तो नेगेटिव आएगा मोड, वन से बड़ी वैल्यू लोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो जीरो टू वन, वन टू टू, एक्स माइनस वन एफ एक्स डी एक्स, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगाया जब वो जीरो टू वन है। फंक्शन था एक्स टू माइनस एक्स और वाई नॉट का 3/4, आगे इंटीग्रेशन तुम खुद ही कर लोगे, एक्स 2 माइनस एक्स डी एक्स और 3 बाय 4 बाहर चल रहा है वाई नॉट की वैल्यू का, तो इसका इंटीग्रेशन तुम करोगे, बस ये मैंने ब्रेक करके बता दिया, 0 टू 1, 1 टू 2, 0 टू 1 में माइनस बाहर आएगा, ये मीन डेविएशन आ गया। अच्छा अब एक क्वेश्चन में हुआ था सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर बीटा 1 तुम्हारा 0 आ जाता है तो वो सिमेट्रिकल हो जाएगा, हो गया मीन डेविएशन हो गया। शो दैट द डिस्ट्रीब्यूशन म्यू 2n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, फाइंड मोड हार्मोनिक मीन एंड मीडियन, इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी क्वेश्चन में सब कुछ आ गया। नेक्स्ट में बोला म्यू टू एन प्लस वन, तो इसका मतलब क्या, म्यू है डैश नहीं है ऊपर, तो अबाउट मीन निकालना है, तो एक्स माइनस म्यू फॉर्मूला होता है, एक्स माइनस म्यू आर है तो टू एन प्लस वन एफ एक्स डी एक्स, कल ही बताया था मैंने फॉर्मूला इसका, म्यू आर अबाउट मीन इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन की पावर आर एफ एक्स डी एक्स, अबाउट मीन है आर है, आर की जगह टू एन प्लस वन दे रखा, तो इधर आर की जगह हमने टू एन प्लस वन पुट कर दिया, इधर एक्स माइनस मीन टू एन प्लस वन एफ एक्स डी एक्स जीरो टू टू, टू एन प्लस वन कॉन्स्टेंट रहेगा और एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी इधर, फिर इंटीग्रेशन किया इसने यहां तक, ठीक है। फिर इसने वैल्यू निकाली क्या, कि सिंस ये वाला फंक्शन टू की पावर टू एन प्लस वन, अच्छा लिमिट्स क्या हो गई, वन से माइनस वन, जीरो टू टू थी पहले, लेकिन अब इसमें क्या करा इसने, x माइनस वन को t पुट कर लिया, x माइनस वन को t पुट करने की वजह से लिमिट हो गई वन से माइनस वन। फिर एक प्रॉपर्टी थी अंदर क्या, कि अगर हमारा फंक्शन a से माइनस a टू a है एफ एक्स डी एक्स है, अगर वो ओड फंक्शन हो जाता तो उसकी डायरेक्टली वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, और अगर वो इवन फंक्शन होता तो मैं इसको ब्रेक करके ट्वाइस ऑफ दिस करके ये लिख सकती हूँ। अब फंक्शन देखते हैं हम ओड आएगा कि इवन आएगा, इसको ब्रेक करा ये फंक्शन बन गया, ये वाला फंक्शन हमेशा ही क्या रहेगा, ओड, क्यों, क्योंकि 2n प्लस 1 पावर क्या रहेगी इसकी, ओड रहेगी, ठीक है।
और ये वाला जो फंक्शन है ये है क्या, 1 माइनस टी स्क्वायर, वो हमेशा इवन रहेगा फंक्शन, क्योंकि पावर 2 है तो वो इवन है। तो एज अ होल हमारा क्या बचा, ओड फंक्शन रहा क्योंकि ये तो इवन है, प्लस इसका नेगेटिव, ओड फंक्शन का नेगेटिव और इसका पॉजिटिव, तो एज अ होल ओड आ गया। ओड आ गया तो उसका डायरेक्टली तुम आंसर क्या लिख दोगे, जीरो, तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है।